नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल आशियाना में। आज मैं आपको लेके आया हूँ रुक्मिणी गांव के अंदर वही सेम प्रोजेक्ट में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं, आप जाके चेक कीजिए, वहाँ मैंने डिटेल्स दे दिया था। पहला वाला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 1260 स्क्वायर फीट में, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1450 स्क्वायर फीट में। फ्रंट फेसिंग फ्लैट है ये आपका, तो चलिए इस फ्लैट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये फ्लैट आपका 1450 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम्स के साथ है, 2 टॉयलेट बाथरूम्स, एक आपका अटैच्ड है और एक आपका कॉमन टॉयलेट है, डाइनिंग स्पेस है, 2 बेल्कनी है, एक बेल्कनी आपका फ्रंट फेसिंग जो कि बिल्डिंग के सामने है जो कि डाइनिंग स्पेस के साथ है, दूसरा बेल्कनी आपका मास्टर बेडरूम है जहां पर मैं अभी बैठा हुआ हूं। तो चलिए इस फ्लैट का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम है फ्लैट का एंट्रेंस में, तो चलिए फ्लैट के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका लिविंग स्पेस 14x15 का, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा 14x15 का लिविंग एरिया है आपका। और इस तरफ आप अगर आप देखें तो ये आपका डर्ट स्पेस है, डर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं डाइनिंग स्पेस की तरफ। दोस्तों ये जो डाइनिंग एरिया है ये आपका 12x9 फुट का है, डाइनिंग स्पेस के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डाइनिंग स्पेस के साथ आपका फ्रंट में आपका बेल्कनी है, बेल्कनी का साइज़ है आपका 4x10 फुट का, काफ़ी बड़ा बेल्कनी है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका फ्रंट फेसिंग बेल्कनी, तो ये है आपका बहुत खूबसूरत व्यू, बेल्कनी से बहुत खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं किचन की ओर। तो दोस्तों ये है आपका 10x8 का किचन, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इस तरफ आपका बहुत बड़ा वेंटिलेशन है और चिमनी के लिए भी उस तरफ आपका स्पेस दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं टाइल्स की, तो टाइल्स की अगर हम बात करें तो टाइल्स आपकी काफ़ी खूबसूरत है, 3 फुट का टाइल्स आपका दिया गया है और इस तरफ आप देखिए स्टील सिंक दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं किचन के मार्बल का या फिर स्लैब का, तो मार्बल जो है ये आपका ग्रीन मार्बल दिया गया है, 8x8 का आपका मार्बल स्लैब दिया गया है। अभी हम बैक साइड में एक बेडरूम है जो कि कॉमन बेडरूम है, चलिए कॉमन बेडरूम में चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका कॉमन बेडरूम जो कि आपका साइज़ जो है वो 10x11 का साइज़ है, हाइट आप देख सकते हैं 11 फुट का आपका हाइट है फ्लैट का। और अगर आप इस तरफ देखें दरवाज़ा के सामने ये आपका स्विच बोर्ड दिया गया है। और अभी हम चलते हैं दूसरा बेडरूम में, आइए। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, आइए। ये है आपका मास्टर बेडरूम, काफ़ी बड़ा, साइजेस की अगर बात करें तो 11x14 का ये आपका मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं। अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी रोशनी आ रही है विदाउट लाइट्स के, नेचुरल लाइट जो है वो सारे रूम्स में है, कहीं भी कभी भी आपको अंधेरा फील नहीं होगा, कभी भी आपका रूम्स डार्क नहीं होंगे। आप देख सकते हैं ये लगभग रेडी हो चुका है मास्टर टॉयलेट, 5x7 का ये आपका मास्टर टॉयलेट है। और अगर आप देखें, अगर आपको विजिबल हो रहा है टाइल्स, आप देख सकते हैं टाइल्स आपका 6 फुट तक हाइट बाथरूम का दिया गया है। और टाइल्स की अगर हम बात करें तो लाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टाइल्स दिया गया है। और नीचे अगर आप देखें तो ये आपका एंटी स्किड टाइल्स है जो कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए दोस्तों बाथरूम को छोड़ के अब अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम के साथ जो बेल्कनी है उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था मास्टर बेडरूम में भी आपका बेल्कनी है। तो दोस्तों आइए अभी बेल्कनी की तरफ, ये बेल्कनी आपका 4x10 का बेल्कनी है, ब्रेथ आपका 4 है और लंबाई आपका 10 है। तो अभी हम चलते हैं दूसरा बेडरूम जो कि आपका दूसरा कॉमन बेडरूम की तरफ। ये है आपका कॉमन बेडरूम 11x14 साइज का, काफ़ी बड़ा बेडरूम विथ 2 विंडोज, इस तरफ आपका एक विंडो है जो कि बहुत बड़ा दिया गया है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है बिल्डिंग का फ्रंट साइड जिसमें बहुत बड़ा विंडो दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको फ्लैट का सब कुछ दिखा दिया है, मैं फिर से बताता हूँ 1450 स्क्वायर फीट का 3BHK 3rd फ्लोर में रेडी टू मूव इन फ्लैट है आपका। तो दोस्तों प्राइस की अगर बात करें तो इस फ्लैट का प्राइस आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कार पार्किंग, लिफ्ट विद जनरेटर, ट्रांसफार्मर सब मिला के आपका 4900 रेट लगाया है।
रेडी टू मूव इन हैंड ओवर बाई डिसम्बर होने वाला, और 2-3 मंथ्स में ये हैंड ओवर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया, देन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विद दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।